मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेश में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए गंभीरता के साथ तफ्तीश कर आरोपियों को सजा दिलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश मंगलवार को DIG जे रविन्द्र गौड़ एवं SSP विपिन ताडा को मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में दिए। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में जनता दर्शन की पुनः शुरुआत सोमवार को 5 कालिदास मार्ग से की है। जनता दर्शन में 2 फरियादी सिंघरिया एवं चौरी चौरा में कंपनी खोलकर विदेश भेजने की शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि सिंघरिया में एक कंपनी रोजगार परक ट्रेनिंग का हवाला देकर 30 से अधिक युवकों से लाखों रुपए वसूल किए और सभी को फर्जी टिकट और वीजा पकड़ा दिया। फर्जीवाड़ा का पता तब चला जब फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। इस मामले में FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन उन्हें उनके रुपए वापस नहीं मिले। इसी तरह चौरी चौरा में एक ट्रेनिंग सेंटर का संचालक दुबई में नौकरी के लिए विजिट वीजा थमाकर धोखाधड़ी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि 2 युवक दुबई चले गए, पर ना तो नौकरी मिली ना ही रहने का कोई व्यवस्था हो सका। किसी तरह से दोनों परिवार की मदद से वापस घर आए। आरोप लगाया कि पुलिस FIR दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SSP विपिन ताडा को अभियान चलाकर ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रेयांश को लेकर माया बाजार निवासी अनुप गुप्ता भी पत्नी के साथ जनता दर्शन में बैठे थे। लोगों को सुनते हुए मुख्यमंत्री अनुप के पास पहुंचे, साथ में मासूम बच्चे को देख कर वह रुक गए। रुधे गले से माँ बाप ने मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि 3 साल के मासूम श्रेयांश को किडनी की गंभीर बीमारी है, इलाज महंगा है, लिहाजा बिना किसी मदद के यह संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने इत्मीनान से उनकी बातें सुनी। मौके पर मौजूद DM विजय किरण आनंद को निर्देश दिया कि इनसे यथाशीघ्र सभी कागजात तैयार कर शीघ्र ही मदद के लिए शासन को भेजें। सरकार इलाज में हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक अपने कार्यालय में सुने, उनका निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण एवं निर्धारित अवधि में कराएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जमीन संबंधी मामलों के निस्तारण में पुलिस का भी सहयोग लिया जाए। टाल मटोल वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले जिनका निस्तारण शासन स्तर पर ही किया जा सकता है, उन्हें निस्तारण के लिए लखनऊ भेजें। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाने में आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित कराएं। खास और जमीन एवं राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में विशेष ध्यान दिया जाए। जहां पुलिस बल की आवश्यकता हो उपलब्ध कराया जाए। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन की सूचना पर 95 महिला पुरुष जनता दर्शन में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर सभी के पास गए और उनकी समस्याओं का समाधान किया। जनता दर्शन में कमिश्नर रवि कुमार NG, DM विजय किरण आनंद, DIG जे रविन्द्र गौड़, SSP डॉ विपिन ताडा, मंदिर कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह, अजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। दुबई में जिसको एक पत्र भेजे हो दुबई के लिए मुझे भेज देना।